इस डिवाइस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आर्डिनो यूनो बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अभी हम इसमें कुछ पिन का ही यूज करेंगे, जैसे A0 पिन एंड 5 वोल्ट और ग्राउंड। और 13 पिन एंड ग्राउंड। और हमें एक LED की भी जरूरत पड़ेगी। और एक LDR की भी जरूरत पड़ेगी। एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेते हैं और कुछ जम्पर वायर्स मेल टू मेल। और एक ब्रेडबोर्ड की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम इस आर्डिनो यूनो बोर्ड में प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। इसके लिए हमें इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं और प्रोग्राम को वेरीफाई कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि यह सही है, एरर नहीं है, और फिर हम इसे अपलोड कर देते हैं। फिर हम इस सर्किट के जैसे ही सभी के कनेक्शन कर देते हैं। हम LDR को ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। फिर एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया और इसको उसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसका एक पॉइंट। तो इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट मिल गया। LED के पॉजिटिव पॉइंट को हम आर्डिनो की पिन नंबर 13 से कनेक्ट करते हैं और LED के नेगेटिव को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। LDR के दूसरे टर्मिनल को हम आर्डिनो की पिन नंबर 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को हम आर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस और LDR की कॉमन पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर A0 से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा सर्किट बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। अब जैसे ही इस LDR के ऊपर डार्कनेस आएगी तो ये LED के थ्रू इंडिकेट कर देगा। जब जब इस पर डार्कनेस आती है तो ये LED इंडिकेट करने लगती है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।